लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है और उसे अच्छे से वॉश करके मैं इसमें अदरक लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट मिलाऊंगी। मैंने इसे फाइन पेस्ट नहीं किया है, बहुत दरदरा सा रखा हुआ है, सिलबट्टे में ही पीसा था मैंने इसको। इसमें मैं ये कायनात मसाला भी ऐड करूंगी, ये मैं इसमें पूरा डाल दूंगी। हमारी साइड तो कायनात मसाला मिलता है, आप लोग बताना आपकी साइड कौन सा वाला मसाला मिलता है चिकन मसाला। तो ये 5 रुपीज़ का है मे भी, तो 1 किलो चिकन के लिए मैंने ये पूरा मसाला इसमें ऐड कर दिया था और ये इसका टेस्ट वैसे अच्छा आता है कायनात मसाला का। इसमें फिर मैं ये लेमन का जूस डालूंगी, ये 1 लेमन है पूरा। इसमें हम टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे तो इसीलिए मैंने इसमें लेमन का जूस डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और ये इस तरीके से मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है और अब मैं इसे फ्रीजर में डालूंगी 1 घंटे के लिए। ये कुछ खड़े मसाले हैं, इसे मैं अब गरम तेल में डाल दूंगी। प्याज डालने से पहले हम एक गरम मसालों को थोड़ा सा सॉटे करेंगे, देन इसके बाद मैं अब इसमें 2 मीडियम कटे हुए प्याज डाल दूंगी। प्याज आप कम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कम प्याज में भी ये ड्राई चिकन बहुत अच्छे से भी बन जाएगा। अब मैं प्याज को बहुत अच्छे से भूनूंगी। प्याज को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, कुछ इस तरीके से मुझे प्याज का कलर चाहिए। और जब इसका कलर इस तरीके का ब्राउन हो जाए तो हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अनुसार आप लाल मिर्ची डालना जितना तीखा आप खाते हैं। हल्दी डाली और इसमें अब धनिया पाउडर डालूंगी और फिर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाए तब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे जो कि 1 घंटे से मैरिनेट है। मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था और ये मैरिनेट हो गया है 1 घंटे। अगर आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे तो बहुत ही बेटर होता है। और मेरे हिसाब से कोई सा भी चिकन, आप कोई सी भी रेसिपी ट्राई कर रहे हो चिकन की, तो मैरिनेट जरूर करो क्योंकि मैरिनेट करके ना टेस्ट डबल हो जाता है। तो मैंने डाल दिया चिकन पीसेस। अब मैं लास्ट में इसमें डालूंगी नमक अपने टेस्ट के अनुसार और फिर इसे अच्छे से भूनूंगी। बस यही है ये रेसिपी, बन गई ना क्विकली, ना टमाटर ना और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स, बहुत इजीली बन जाता है ये ड्राई चिकन, लेमन पेपर ड्राई चिकन। और ये बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, रियली बहुत टेस्टी होता है, तो ज़रूर बनाना इसको। और हाँ दोस्तों, लास्ट में इसमें कसूरी मेथी डालना ना भूलना, ये आपके चिकन के टेस्ट को और अच्छा इन्हेंस करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।